हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं दोस्तों, आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के PHT की डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो PHT होने वाले थे उस PHT की आपकी डेट आ चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ कि आपकी जो डेट है कब से आई है, उसमें कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये 19 वाले भी इसके साथ साथ आपके PHT होंगे या सिर्फ 22 वाला है। तो इसी के ऊपर हम सभी के ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपके 2023 के नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये ऑनलाइन लेनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी आप खरीद सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, इन सभी बुक्स को आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की PHT की डेट आ गई जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों जैसे ही मुझे अभी अभी पता चला, हालांकि मैं अभी ड्यूटी जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा ड्यूटी जाने से पहले जल्दी से जल्दी आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, इसको जो आपकी जो PHT की डेट आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, आपकी जो PHT की डेट आई वो आई है 30 जनवरी। कब से चालू होंगे आपके? 30 जनवरी 2023 से आपके PHT चालू होने वाले हैं। और आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यानी कि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। लेकिन आपको पता है ना कि डिपार्टमेंटली अंदर ही काम चलता है, डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान होते रहते हैं या सेंटर पर भेजे जाते हैं, तो ये अंदर से लीक हुआ है। जैसे और भी कोई अपडेट जहाँ तक है वहाँ तक आपको बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आपको एक बात बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन क्या, मैं लगभग मैं 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ इसी के ऊपर, ये सब के मैंने हर उस वीडियो में कहा था कि आप जनवरी में आपके उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जनवरी में आ जाएंगे। भले ही आपको यकीन नहीं हो तो पिछली वीडियो मेरी चेक कर लो, उसमें मैंने जनवरी की ही कहा था कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी में आ जाएंगे, लास्ट दिसंबर तक या जनवरी तक। तो वो आपके सामने हो गया, 30 जनवरी 2023 से आपके इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी कोई मतलब ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, जैसे ही कुछ भी होगा इसके बारे में क्या है किस तरीके से और कोई भी ज़्यादा जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो बताया गया मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, 30 जनवरी से आपके PHT चालू होने वाले हैं। और दोस्तों इसमें अगर हम 2019 वालों की बात करें तो 2019 वालों की अभी कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये सिर्फ 2022 वालों के लिए है। किसके लिए? 2022 वालों के लिए है ये अपडेट, यानी कि कब से आपके? 30 जनवरी 2023 से। अब हम बात करेंगे कितने सेंटर बनेंगे आपके। तो दोस्तों आपके जो सेंटर बनेंगे, जो टोटल 62 सेंटर बनेंगे। कितने सेंटर बनेंगे? टोटल 62 सेंटर बनेंगे आपके। दूसरी बात है कि आपका जो PHT होगा, आपका जो PHT होगा इसमें आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी रनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी इसमें आपकी? इसमें आपकी रनिंग नहीं होगी। और इसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद होगी आपकी टाइपिंग। एग्जाम के बाद क्या होगा आपका? एग्जाम के बाद होगी आपकी टाइपिंग और फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी PHT में भी होगी, ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपके PHT में भी चेक कर ले जाएंगे। उसके बाद ऐसे ये आपका रनिंग, एग्जाम, टाइपिंग, मेडिकल, फिर आपकी जॉइनिंग, इस तरीके से मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसका अच्छे तरीके से आपको एक अगली दूसरी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। PHT को भी बता दूंगा इसमें क्या क्या होगा, किस किस तरीके से कैसे होगा, क्योंकि मैंने खुद दिया है PHT इसका। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि CISF का PHT क्या, किस किस तरीके से और क्या क्या होता है इसमें, कहाँ सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, कहाँ आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो इस सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूँगा। तो दोस्तों यही सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश की है। हालांकि मैं जल्दी में हूँ, मुझे ड्यूटी जाना है, लेकिन मैंने सोचा है कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, इस वजह से मैंने ड्यूटी जाने से पहले ये वीडियो आप सबके लिए बनाई और इस वजह से इस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट किया करो, कुछ भी पूछो। अगर मुझे पे किसी भी तरीके से टाइम मिलता है तो मैं वहां आपका कमेंट का रिप्लाई दे देता हूं, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना देता हूं। तो दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।